नमस्ते गेम शो एंड वेलकम टू चैनल मुझे कहते हैं मी और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस और तुम्हारे हाथ लाल और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं दाल नहीं बताओ। अच्छा तो इससे पहले कि मैं वीडियो का टाइटल बता दूं जो कि पता सबको होगा क्योंकि टाइटल नीचे लिखा हुआ आ रहा है लेकिन इस टाइटल को बताने से पहले मैं एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ और वो बात ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा वीडियो की रिक्वेस्ट भी हमें भेज सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसके ऊपर रिएक्शन दें। सो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं हीरोपंती 2 ऑफिशियल ट्रेलर एंड हीरोपंती 1 हम लोग देख चुके हैं, मतलब हमने जब आई थी तभी देख ली थी। सो वी आर रियली एक्साइटेड फॉर द पार्ट 2। देखते हैं इसके अंदर, वैसे तो टाइगर श्रॉफ हैं के जो थंबनेल है उसमें दिख रहे हैं बट और एक्टर्स का हमें नहीं पता कि कौन कौन होगा। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में कृति सैनन एंड ये थे, सो वी आर एक्सपेक्टिंग इसमें कौन एक्ट्रेस तो बदल इसमें लिखा है टाइगर श्रॉफ तारा। अच्छा इसमें तारा है, मतलब तारा और टाइगर का अच्छा कॉम्बो है ना। सो नवाजुद्दीन भी हैं, खैर मूवी मूवी में अच्छे एक्टर्स लिए तो लाइक सी क्या देखते हैं। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के बीच में एक ही आदमी का हाथ है, उसका नाम है लैला। जो मातू को तो जादू कौन दिखाएगा जादू। नवाजुद्दीन को कितना अलग बनाया है वो है लैला नाम उनका। बबलू अच्छा मूवी की स्टोरी अलग नहीं लगी तुम्हें? ढूंढने से देख किस्मत से मिलता है। कैमरा वर्क अच्छा है। उई ये देखो ये रहमान का म्यूजिक है। वाह दो लड़के हैं वो ऐसे ही होगी ऐसा। नवाजुद्दीन की एक्टिंग इसमें काफी डिफरेंट है। सबको आती नहीं
जाती नहीं। पहले भी बोला था। ओके अगर ये न्यू पैम्पर का एड कहाँ से आते ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रेलर ओके ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को सेकंड पार्ट से कंपेयर करूँ वैसे तो नहीं कंपेयर किया जा सकता बट अगर कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पार्ट वाज लाइक काजोल एंड शाहरुख खान टाइप मूवी जिसमें जो है वो हीरो है हीरोइन है विलन है विलन्स हैं प्लस उसके अंदर जो है ड्रामा है मेलो है सर चीज़ें हैं लेकिन बट अगर मैं स्टोरी इस पार्ट टू को करूँ तो ये नए ज़माने के स्टैंडर्ड्स को जहन में रखकर बनाई गई है नए ज़माने के जो चॉइसेस हैं उनको जहन में रखकर बनाई गई है कि नए लोग हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं और उनको क्या पसंद आ रहा है और जो पुरानी वाली मूवी है उसमें पुराने वाले फॉर्मेट को देखकर मूवी बनाई गई थी कि पुराना फॉर्मेट क्या है मूवी बनाने का मुझे पहले वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इसका जो ट्रेलर है ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा थ्रू आउट द वीडियो आप लोगों ने मेरा रिएक्शन देखा होगा और मैं बहुत ही एनर्जेटिक होके कोई भी वीडियो जब देखती हूँ तो बहुत ऑनेस्ट जो है वो रिएक्शन देती हूँ और मेरा जो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों ने हर वीडियो में आप लोग मेरा रिएक्शन देखते हैं तो मैं बहुत फेयर रिएक्शन देती हूँ थ्रू आउट द वीडियो आपने मेरा ये रिएक्शन देखा ट्रेलर वॉज ओके इट वॉज नाइस बट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी हीरोपंती टू से मुझे उस हिसाब से नहीं लगा बट नवाजुद्दीन सर की जो एक्टिंग है टोटली अमेजिंग टोटली डिफरेंट मुझे बहुत अच्छी लगी बट अगेन मुझे वो चीज़ नहीं लगी जो मुझे हीरोपंती वन में लगी थी इनमें भी अभी मैं मूवी देखूँ तो मुझे लगे बट टाइटल शुड बी ओके सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि इस ट्रेलर में ना हीरो से ज़्यादा जो पावरफुल कैरेक्टर है वो विलन का दिखाया गया है हाँ मुझे ऐसा फील हुआ ट्रेलर के अंदर मूवी ऑब्वियसली मूवी में हीरो को ही उन्होंने अच्छा दिखाने की मतलब पावर दिखाने की कोशिश की लेकिन नवाजुद्दीन सर की जो एक्टिंग है ना उन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से पूरे ट्रेलर को उठाया हुआ है जो मुझे लगा और मुझे लगता है मुझे ऐसा लग रहा था कि इस टाइप की जो परफॉर्मेंस है या इस टाइप का जो वो है ना वो हीरो का होना चाहिए था क्योंकि बॉलीवुड का एक बेसिक वो है कि हीरो ज़्यादा मतलब हीरो को ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है रादर देन विलन अब तो हाँ विलन भी अच्छे अच्छे होते नहीं, हैं बट एंड में वो यही दिखाएंगे ना कि टाइगर श्रॉफ जो है वो ट्रेलर में भी उन्होंने टाइगर श्रॉफ को दिखाने की कोशिश की नहीं एंड में वो यही दिखाएंगे कि वो उनको मार के और जो पूरा मुझे पता है यही दिखाएंगे उन्होंने ट्रेलर में भी टाइगर श्रॉफ को दिखाया है लेकिन मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ से ज्यादा जो पावरफुल कैरेक्टर है जो लग रहा है वो नवाजुद्दीन की वजह ये भी है कि ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर एंड बहुत अच्छी वो अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो टाइगर की अच्छी लगती लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे ज्यादा जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो विलन की अच्छी लग रही है मुझे तो ऐसा लगा और जैसे इसने बोला कि आजकल के ज़माने के हिसाब से उन्होंने ट्रेलर बनाया है तो मैं इस बात से अग्री करूँगी आजकल के ज़माने के हिसाब से बनाया है इसमें जो कैमरा वर्क है वो बहुत अच्छी करने की कोशिश की है जो कि मुझे अच्छी लगी जैसे गाड़ियों को दिखाया है और जिस तरह से ग्राफिक्स यूज़ किए हैं वो काफ़ी मेहनत करी है उस पर और जिस चीज़ पर हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों पर कोई आसान चीज़ नहीं है तो हाँ हमसे बोल सकते हैं तो ये काफी अच्छी चीज लग रही है ट्रेलर की और मुझे लगता है इस मूवी में ना थोड़ा सा जो जैसे पुरानी अगर मूवी की मैं बताऊं तो पुरानी मूवी वो क्वाइट सिंपल लड़की पसंद आई लड़की के पीछे जा रहे हैं लड़की के अम्मा बाबा लड़की के घर वाले नहीं मान रहे लड़की के घर वाले बहुत ज्यादा नॉर्मल स्टोरी थी बट अगर इस मूवी के बाद देखी जाए इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो मुझे लग रहे हैं इस मूवी में थोड़ा सस्पेंस होगा तो इस सेंस में ये मूवी इज बेटर देन द फर्स्ट वर्जन बट वो हमने क्योंकि देखी हुई है और उससे उस वाली मूवी का एक इमेज क्रिएट हुआ है कि अच्छा हाँ लड़का लड़की है तो हमने ये देखा तो हमें पसंद नहीं आया उस मूवी में एक और एडिशनल पॉइंट ये था कि उससे टाइगर श्रॉफ एंड कृति सेनन दोनों डेब्यू कर रहे थे हाँ वो उन दोनों के लिए जो है वो पहली पहली मूवी थी हाँ तो उससे अगेन वो उनका पहला जो है वो एक परफॉर्मेंस थी ऑडियंस के सामने वो जाहिर है पहला पार्ट जब आ चुका होता है ना तो हम दूसरे पार्ट से भी उसी टाइप की चीजों की एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते तो हमने शायद इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस वजह से हमें ट्रेलर थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा ऑफ रहा लेकिन एक चीज और ये फिल्म अच्छी एक चीज और इस ट्रेलर में एक्ट्रेस की तो प्रेजेंस है ही नहीं
अक्सर मूवीज में आजकल एक्ट्रेस की प्रेजेंस कम है और विलन एंड एक्टर की प्रेजेंस है, सिवाय कुछ एक्ट्रेसेस के जैसे कि दीपिका हो गई और अनुष्का शर्मा हो गई, इस तरह की एक्ट्रेसेस जो भी रोल करती हैं उसमें उनकी प्रेजेंस होती है। बट यूजुअली में ऐसा लग रहा है जैसे अब आजकल जैकलिन फर्नांडिस भी ऐसे रोल कर रही है जिसमें उनकी प्रेजेंस कम है। अभी अक्षय कुमार का हमने ट्रेलर देखा उस मूवी का, उस बच्चन पांडे, हाँ, और उसके अलावा फिर हमने उससे पहले की देखी आलिया भट्ट की, जो हमने देखी उसमें उनकी लग रही थी ओवरऑल की। हाँ, आलिया भट्ट की तो मूवी उन पर बेस कर रही थी। खैर, दैट्स इट फॉर टुडेस ट्रेलर। वी होप कि आपको पसंद आया होगा और वी होप कि हमें मूवी अच्छी लगे जब वो आए, और हमारा जो ये जो राय इसके अंदर देखने वाली चीजें ज्यादा है मुझे ऐसा लगता है। उसके वो सिंपल थी, इसमें देखने वाला मार्जिन ज्यादा है, यानी कि इसमें नवाजुद्दीन की एक्टिंग है जो कि हमें देखनी है और थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न इसमें हैंगे। तो वी विल वॉच इट इंशाल्लाह। सो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।